दोस्तों, इस वीडियो की मैं शुरुआत करूं उसके पहले हम सभी को पटना पुलिस के लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि पटना पुलिस ने 3 दिन में वो काम कर दिखाया है जो पिछले 47 दिन में मुंबई पुलिस नहीं कर सकी। पटना पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के घर जाती है इस उम्मीद में कि जांच के दौरान उसे कोई सुराग मिल जाएगा, क्योंकि हम सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद अब तक सारे सबूत मिटा दिए गए होंगे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के कुछ दिन बाद भी संदीप सिंह, सिद्धार्थ पिठानी और सूरज पंचोली को सुशांत सिंह राजपूत के घर से निकलते देखा गया था। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद कोई सबूत ना मिले, लेकिन जब पटना पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के घर से बाहर निकलती है तब मीडिया उनसे पूछती है कि सर कोई सबूत मिला है क्या, तो पटना पुलिस कहती है जी हाँ, हमें सबूत मिला है और बहुत बड़ा सबूत मिला है, और पटना पुलिस के हाथ में एक बहुत ही बड़ा बैग दिखाई पड़ता है। और मुझे लगता है कि यही वो खबर थी जिसके बाद मुंबई पुलिस ने पटना पुलिस को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया था कि कहीं ये सबूत जो पटना पुलिस को मिले हैं कहीं वो मीडिया में आ गए तो शायद जिस चीज को हम इतने दिनों से छुपा रहे थे वो मीडिया में सामने आ जाए। देखिए, इसमें मैं मुंबई पुलिस की बहुत ज्यादा गलती नहीं मानता हूं, क्योंकि मुंबई पुलिस अपना काम अगर ईमानदारी से करना भी चाह रही होगी तो उसे ईमानदारी से करने नहीं दिया जा रहा होगा, क्योंकि मुंबई पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि जो हम कहेंगे वही आपको करना होगा। वरना सुशांत सिंह राजपूत के मौत के 47 दिन बाद भी मुंबई पुलिस ने अब तक सुशांत सिंह राजपूत का लैपटॉप प्रिया चक्रवर्ती के पास से क्यों नहीं लिया, ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपनी FIR में साफ साफ लिखा था कि रिया चक्रवर्ती जाते वक्त घर से सुशांत सिंह राजपूत का लैपटॉप भी लेकर गई थी, यानी रिया चक्रवर्ती सीधे सीधे तौर पर उस लैपटॉप में हो सकता है कि ऐसा कोई सबूत हो जो सुशांत सिंह राजपूत ने उसमें छोड़ रखा हो, तो रिया चक्रवर्ती शायद उस सबूत को मिटाने की कोशिश भी कर रही हो, और यही वजह है कि मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश करती है, ना रिया चक्रवर्ती के ऊपर कोई FIR लिखती है और ना ही वो लैपटॉप अपने कब्जे में लेती है। यहाँ तक कि पटना पुलिस ने ये भी कह दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो तार है वो दिशा सालियान से जुड़ा हुआ है, वही दिशा सालियान जिनको सुशांत सिंह राजपूत का एक्स मैनेजर बताया जा रहा था, जबकि अपने पूरे जिंदगी में सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान से सिर्फ एक बार मिले थे, वो भी रिया चक्रवर्ती ने मिलवाया था, और जो दिशा सालियान की रहस्यमयी मौत हुई थी जिसे आत्महत्या करार दे दिया गया, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा सबूत जरूर मिल सकता है, इसीलिए पटना की जो पुलिस है दिशा सालियान के मौत की भी जांच करने में लग गई है। दिशा सालियान की पार्टी में उस दिन जो लोग आए थे शायद उस दिन दिशा सालियान के साथ ऐसी कोई न कोई घटना जरूर हुई थी जो मीडिया में वो लोग आने देना नहीं चाहते थे, जो उनके लिए सरदर्द बन सकती थी, इसीलिए दिशा सालियान को शायद मार दिया गया और उनकी मौत को भी आत्महत्या में करार दे दिया गया। और अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि दिशा सालियान ने वो बात सुशांत सिंह राजपूत को बता दी थी और सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को रास्ते से हटाना है, ये बात उस दिन दिशा सालियान की पार्टी के बाद तय हो चुकी। दिशा सालियान ने सुशांत सिंह राजपूत को वो बात बताई है जब ये बात सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती और संदीप सिंह के साथ डिस्कस करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तब ये बात रिया चक्रवर्ती बताती है महेश भट्ट को, और महेश भट्ट कहते हैं कि तुम तुरंत उस घर को छोड़कर निकल जाओ, और बाद में ये बात बता दी जाती है कि उस घर में भूत प्रेतों का साया था, इसलिए रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती को ये बात कहीं ना कहीं जरूर पता थी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ आगे क्या होने वाला है। जिस दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर से निकलती है उसी रात दिशा सालियान की मौत हो जाती है, और ठीक उसी दिन 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सुशांत सिंह राजपूत के घर रहने के लिए आती हैं और 12 जून की शाम तक वो निकल जाती हैं अपने घर के लिए। 13 जून की शाम तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन 13 जून की रात को ही कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को रात में ही मार दिया गया था। जो पार्टी वाली बात निकल कर आ रही है शायद ये बात बिल्कुल भी सच है। जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ के जाती है तो वो उनका नंबर ब्लॉक कर देती है, लेकिन वहां से निकलने से पहले वो अपने साथ सुशांत सिंह राजपूत की दवाओं के साथ वो सारी प्रिस्क्रिप्शन भी लेकर जाती है,
जो दवाएं उन्हें दी जाती थी ताकि वहां कोई भी सबूत ना मिल सके। यहां तक कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को ये भी धमकी दी कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं मीडिया में ये बात बता दूंगी कि तुम पागल हो और दिशा सालियान की मौत का जो तार है वो कहीं ना कहीं तुमसे जुड़ा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत अपनी निगेटिव पब्लिसिटी को लेकर बहुत ही सतर्क रहते थे। जब भी कोई निगेटिव इमेज या निगेटिव पब्लिसिटी उनकी मीडिया में दिखती थी वो बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाते थे, बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते थे और इसी बात को लेकर वो काफी चिंतित थे और इस बात को उन्होंने अपनी बहन मीतू से भी बताया था, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने अपने जीजा को भी ये बात बताई कि मुझे डर है कि मुझे मार दिया जाएगा। और सुशांत सिंह राजपूत मुंबई छोड़कर पटना जाना चाहते थे, लिए उनके जीजा सुशांत सिंह राजपूत को लेने के लिए मुंबई आने वाले थे, लेकिन इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया जाता है। जैसा कि हम सभी ने देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत की इमेज खराब करने के लिए किस तरह से मीडिया में उनके खिलाफ बहुत सारी ब्लाइंड आइटम्स लिखी गई। इसमें सबसे बड़ा हाथ राजीव मसंद का भी था, जो सुशांत सिंह राजपूत को स्कर्ट चिजर से लेकर न जाने क्या क्या बातें लिखा करते थे कि वो पागल हैं, सनकी हैं, मारपीट किया करते हैं, अपनी सोसाइटी में मारपीट करते हैं, शूटिंग पर लेट आते हैं, शूटिंग पर नखरे दिखाते हैं, न जाने किस किस तरह की बातें सुशांत सिंह राजपूत के बारे में लिखी गई थी और ये प्लानिंग किस तरह से कितने दिनों से है ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होते चली जा रही है। अब पटना पुलिस अपनी जांच को कैसे आगे बढ़ाती है और किस तरह से आगे लेकर जाती है और उन्हें क्या सबूत मिलते हैं ये तो बात की बात होगी, लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने ये कह दिया है कि इसमें राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, बीजेपी जो है उसमें राजनीति कर रही है, मुंबई पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही है, मुंबई पुलिस अपने काम के लिए बखूबी जानी जाती है, इसलिए मुंबई पुलिस पर जबरदस्ती ये दबाव ना बनाया जाए कि सीबीआई जांच होनी चाहिए सुशांत सिंह राजपूत की। तो उद्धव ठाकरे जी का ये कहना है कि हम अपनी जांच सही तरीके से कर रहे हैं और समय आने पर सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी जो भी चीजें होंगी वो मीडिया के सामने रख दी जाएगी। और उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि कोई भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी हुई चीजों पर राजनीति नहीं करे। दोस्तों, जब एक इंसान ये बातें कह रहा है कि उसे मार दिया जाएगा, उसे उसकी जान का खतरा है, ऐसे में कैसे मुंबई पुलिस सिर्फ 15 मिनट में ये डिसाइड कर सकती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। सुशांत सिंह राजपूत एक मल्टी टैलेंटेड और बहुत ही समझदार किस्म के इंसान थे, वो एक एथलीट की लाइफ जिया करते थे, यहाँ तक कि वो कोरोना वायरस को लेकर भी ऐसा कुछ बना रहे थे जिससे कि आने वाले भविष्य में कोरोना वायरस से बहुत ही आसानी से निपटा जा सके। तो भला ऐसी सोच रखने वाला इंसान आत्महत्या कैसे कर सकता है। पटना पुलिस दिशा सालियान की जो मौत की जांच करने वाली है उसमें पटना पुलिस ने ये साफ कह दिया है कि हम दिशा सालियान की जो पार्टी हुई थी उस रात उस पार्टी में कौन कौन लोग आए थे, कौन कौन लोग शामिल थे और ऐसी क्या बातें हुई थी, उन सारी चीजों को अपने सबूतों में जमा करने का काम करेगी। और यही वजह है जो रिया चक्रवर्ती अपने साथ सुशांत सिंह राजपूत के घर से सारे सबूतों को लेकर चली गई, वरना जब रिया चक्रवर्ती को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि सुशांत सिंह राजपूत अगर बीमार हैं उन्हें दवाएं वक्त पर नहीं दी जाएंगी तो वो बीमार पड़ जाएंगे, जिस इंसान को दवाओं का ओवरडोज दिया जाता था कि वो दिन भर सोता रहे, तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती एक बीमार इंसान की दवाओं को अपने साथ क्यों लेकर जाती हैं, क्यों उसकी सारी प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ लेकर चली जाती हैं, ये सब कुछ सोचने का विषय है। मुझे तो ये भी लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के जिस बॉडीगार्ड ने ये बताया था कि एक या दो बार मैं भी उस मेडिकल शॉप पर गया था जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो दवाएं मैं लेने गया था, उसकी प्रिस्क्रिप्शन को देखने के बाद मेडिकल स्टोर वाले ने कह दिया था कि ये दवा किस लिए ले रहे हो और किसके नाम पर है। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि उस मेडिकल शॉप वाले जो स्टाफ होंगे उन्हें भी बदल दिया जाएगा या तो वहां पर जो भी सबूत होंगे उन्हें भी हटा दिया जाएगा। देखिए, संदीप सिंह और सिद्धार्थ पिठानी को भी इस बात का डर है कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो शायद दूसरे दिन उनकी भी जान ना चली जाए। इसी वजह से सिद्धार्थ पिठानी अपनी बातों में बार बार डगमगाते हैं, बार बार स्टेटमेंट चेंज करते हैं, वो घबरा जाते हैं और यही काम संदीप सिंह भी कर रहे हैं। जबकि सिद्धार्थ पिठानी का ये कहना था कि मैं रिया चक्रवर्ती को अपनी पूरी जिंदगी में कभी मिला ही नहीं, मैं रिया चक्रवर्ती को जानता ही नहीं हूँ, जबकि खुद रिया चक्रवर्ती ने ही सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत सिंह राजपूत से मिलाया था, जिसके बाद सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके घर में ही रहते थे और उनके घर में कौन आता जाता था, कौन रहता था, रिया चक्रवर्ती। तो ये इतना बड़ा झूठ आखिर ये लोग किस तरह से बोल रहे हैं, क्या एंगल को लेकर बोल रहे हैं, इनको खुद समझना चाहिए कि ये बार बार जो अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं अपने खुद के स्टेटमेंट में ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं।
वहीं एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि दिशा सालियान की जो माँ है वसंती सालियान, उन्होंने कहा कि दिशा सालियान इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी थी, बहुत ही ज्यादा प्रेशर में थी कि उनके हाथ से रणबीर कपूर की शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इवेंट निकल चुका था और उसके बाद भी दो ऐसे इवेंट थे जो उनके हाथ से निकल चुके थे। यानी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जो शादी होने वाली थी उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो दिशा सालियान के हाथ से निकल चुका था, इसीलिए दिशा सालियान इस बात से बहुत ज्यादा प्रेशर में थी, बहुत ज्यादा दबाव में थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दिशा सालियान की मौत के बाद भी जबकि मां ने 50 दिन के बाद कुछ नहीं बोला था, तो आखिर जब पटना पुलिस ने ये बात कही कि दिशा सालियान के मौत की जांच हम करने वाले हैं, तो दिशा सालियान की मां का ये बयान आना ऐसे में बहुत चौंका देता है कि कहीं ना कहीं दिशा सालियान की मां के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप ये शब्द बोलो कि दिशा सालियान बहुत ही ज्यादा प्रेशर में थी और इसमें अब कई लोगों के नाम जुड़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या वजह है जो उस दिन दिशा सालियान की पार्टी में हुई थी जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो तार जुड़े और सुशांत सिंह राजपूत को भी रास्ते से हटा दिया गया। अब महाराष्ट्र की जो सरकार है वो कह तो रही है कि इस केस की जांच वो ईमानदारी से कर रही है, मुंबई पुलिस इस काम में सक्षम है, मुंबई पुलिस अपने काम में सक्षम है, अगर इस केस में हत्या का कोई शक है तो वो जो भी सबूत होंगे वो मीडिया के सामने रख देगी। तो आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सच क्या है। तो दोस्तों, देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।